हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में जो था, हमने अपना जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा था पूर्ति की अवधारणा, जिसमें हमने पूर्ति की डेफिनेशन देखी थी कि जहाँ पर एक विक्रेता अपना एक बाजार में प्रचलित या जो भी निश्चित अवधि में जो भी निश्चित कीमत पर अगर अपना उत्पादन बेचने को तैयार है तो उसे हमने क्या कहा था, पूर्ति कहा था। ठीक है, और स्टॉक और पूर्ति हमने पढ़ा था कि जितना उसने प्रोडक्शन किया उसमें से मार्केट प्राइस पर कितना सेल करने को रेडी है वो सेल्स है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसे हम लोग स्टॉक बोलेंगे। फिर हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर पढ़े थे बहुत सारे, कि वस्तु की स्वयं की कीमत अपना और उत्पादन साधनों की कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमतें, पूरक वस्तु, स्थानापन वस्तुएं और तकनीकी और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, विशेष अवसर, आगतों की गुणवत्ता, ये हमने देखा था, मान्यताएं हमने पढ़ी थी और ये क्रियाशीलता पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना पूर्ति अनुसूची वक्र या पूर्ति वक्र, पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं और फिर हम पढ़ेंगे पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करें कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि हम पूर्ति अनुसूची पूर्ति वक्र को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्ति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ना उसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ति के प्रकार, जो अपनी सप्लाई है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर सप्लाई दो प्रकार की बता रखी है, एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति और एक बाजार फर्म सप्लाई। तो यानी एक बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई है और दूसरा है अपना मार्केट सप्लाई। तो यहां पर बोल देंगे व्यक्तिगत फर्म की सप्लाई, व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति, और सेकंड जो है वो है बाजार फर्म की पूर्ति, बाजार फर्म की पूर्ति। तो सप्लाई जो होगी वो अपने दो टाइप की होगी, इसको हम जैसे व्यक्तिगत फर्म वाले को बोल सकते हैं इंडिविजुअल फर्म सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, और इसको हम जैसे बोल सकते हैं मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई की, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है। तो पूर्ति के ये प्रकार है, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति और बाजार फर्म पूर्ति। उसके बाद देखो कि व्यक्तिगत फर्म पूर्ति होगी, बाजार फर्म पूर्ति होगी, कि पूर्ति दो तरीके की। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे व्यक्तिगत फर्म पूर्ति क्या है। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति का मतलब जहां पर हम केवल वर्ड जैसे लिख रखा है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जब हम एक व्यक्तिगत फर्म की जो पूर्ति का जो नियम है उसके आधार पर, पहले थोड़ा सा मैं पूर्ति के नियम को यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषित कर दूं कि पूर्ति का नियम क्या है, बाद में आगे भी डिफाइन करेंगे, थोड़ा यहीं पे देख लें कि पूर्ति का आपका नियम क्या बोलता है। पूर्ति का नियम है किसी वस्तु विशेष की कीमत है ना, प्राइस जब बढ़ती है, तो ये जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना पूर्ति जो सप्लाई हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम विक्रेता के नजरिए से पढ़ रहे हैं कि विक्रेता को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जब किसी वस्तु विशेष की कीमत बढ़ती है तो मांगे जाने वाली जो पूर्ति की जाने वाली मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब किसी वस्तु विशेष की कीमत घटती है तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी घट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को पूर्ति का नियम कहा गया, कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और कीमत घटेगी तो आपकी सप्लाई भी घट जाती है, ये पूर्ति का नियम। अब इसमें कैसा रिलेशन है, मैं आपको पहले भी एक दिन समझाया था कि जब किसी भी दो चीजों में परिवर्तन या किसी दो पॉइंट आपको डिफाइन कर रखे और उसमें अगर आपको रिलेशन पूछे तो देखो उसमें जो रिलेशन जो चेंजेज हो रहा है ना, जो परिवर्तन हो रहा है वो अगर समान डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव रिलेशन, और एक अगर जा रहा है मान लो लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है तो कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो यहां पर दोनों में जो चेंजेस हो रहा है जैसे प्राइस में भी और क्वांटिटी में सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, किस प्रकार का रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव या धनात्मक रिलेशन है। ठीक है, ये पूर्ति का नियम हुआ। अब यहां पर देखते हैं कि व्यक्तिगत फर्म पूर्ति का क्या मतलब है। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति का मतलब है कि एक विक्रेता अपना विभिन्न कीमतों पर अपना उत्पादन जो बेचेगा उसका जो अध्ययन हम लोग करने वाले हैं वो व्यक्तिगत फर्म पूर्ति कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है अपनी जो हाइपोथेटिकल प्राइस चलेगी, अपनी जो विभिन्न कीमतें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस कीमत पर एक विक्रेता पूर्ति के नियम के आधार पर कैसे व्यवहार करता है, कैसे वो सप्लाई करता है। तो यहां पर जब एक व्यक्तिगत फर्म का हम अध्ययन करते हैं, उस व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति को हम पढ़ते हैं तो व्यक्तिगत फर्म पूर्ति है, और बाजार फर्म पूर्ति क्या है, सभी इंडिविजुअल सभी व्यक्तिगत फर्मों की एक उस निश्चित कीमत पर सप्लाई की जाने वाली मात्राओं के योग को हम लोग बाजार फर्म पूर्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक विक्रेता है, ठीक है, जिसका नाम है राम, ठीक है, एक विक्रेता है राम। अब ये क्या करता है कि ये जो प्राइस आपको बता रखी है, जैसे मान लो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये, ठीक है,
अब कोई भी, ये जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी ये सप्लाई कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती, मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती है, क्वांटिटी कितनी सप्लाई करेगा, यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा सप्लाई करेगा, पी का मतलब प्राइस से है, पर यूनिट से है, प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, यानी एक यूनिट की कितनी प्राइस, और क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब है अपने मात्रा से है, ठीक है। अब देखो कि वो 100 रुपये पर जितना बेचने को तैयार, पूर्ति का नियम क्या बोलता है, कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी विक्रेता अपनी पूर्ति की जाने वाली मात्रा बढ़ाता चला जाएगा। तो जैसे मान लो 100 रुपये पर वो 10 यूनिट बेचने को तैयार है, सप्लाई करने को तैयार है, 200 पर वो 20 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है, 300 पर वो 30 यूनिट बेचने को सप्लाई करने को तैयार है, और 400 पर 40 और 500 पर वो 50 यूनिट जो है वो बेचने को तैयार है। तो यहाँ पर हमने केवल राम का अध्ययन किया है, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे व्यक्तिगत फर्म पूर्ति, ये व्यक्तिगत फर्म पूर्ति है। और ये जो टेबल मैंने तैयार कर दी, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया व्यक्तिगत फर्म अनुसूची, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची। इस टेबल को मैं क्या नाम दे दूंगा, इस टेबल का नाम हो गया व्यक्तिगत व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची, ये अनुसूची होगी, ठीक है, इस टेबल को अनुसूची बोलते हैं। तो व्यक्तिगत फर्म की सबसे पहले पूर्ति का नियम क्या बोलता है, पूर्ति का नियम है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी बढ़ जाती है, और किसी वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा भी घट जाती है। पूर्ति कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको पढ़ने वाले, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति और दूसरी है बाजार फर्म पूर्ति। व्यक्तिगत फर्म पूर्ति किसे कहते हैं, कि जो भी बाजार में प्रचलित कीमत पर उस पर विक्रेता कितनी मात्रा बेचने को तैयार, एक सिंगल जो सेलर है ना, एक विक्रेता, उसका हम जो अध्ययन करते हैं वो एक व्यक्तिगत फर्म पूर्ति कहलाती है। जैसे केवल मैंने राम का नाम लिया कि राम जो है विक्रेता है, वो मार्केट में विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, वो व्यक्तिगत फर्म पूर्ति कहलाती है, ठीक है। और ये जो टेबल मैंने तैयार किया ना, विभिन्न प्रकार की मतलब हाइपोथेटिकल प्राइस को लेकर, मतलब जो चेंजेस चल रहा है इसमें, उसको मैंने शामिल करते हुए जो आपको क्वांटिटी शो की है, ये जो टेबल है वो अपनी व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची कहलाती है। साथ ही में पढ़ लें कि व्यक्तिगत अपना, चलो बाद में पढ़ लेंगे इसको, पहले इधर चलते हैं। बाजार फर्म पूर्ति क्या, बाजार फर्म पूर्ति का मतलब है कि आपका एक से ज्यादा विक्रेता उस प्रचलित कीमत पर, जो कीमत है किसी कमोडिटीज की, किसी वस्तु की, उस पर कितनी, मतलब कि जो विभिन्न विक्रेताओं द्वारा पूर्ति की जाने वाली मात्राओं के योग को बाजार फर्म पूर्ति कहते हैं, कि बाजार में टोटल उस वस्तु की उस प्राइस पर कितनी सप्लाई हो रही है। अब जैसे मान लो राम के साथ मैंने नाम दे दिया, यहां पर साथ में लिख रहा हूँ श्याम का और मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो मैंने श्याम का नाम दे दिया कि श्याम भी एक विक्रेता ही है, वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है, जब 100 रुपये कीमत चल रही थी इसने 20, 30, 40, 50 और 60 सप्लाई किया, ठीक है, 20, 30, 40, 50 और 60 इतनी यूनिट वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ते हो, अलग अलग केवल एक ही व्यक्ति को लेकर पढ़ते हो, एक ही विक्रेता को लेकर पढ़ते हो, तो व्यक्तिगत फर्म पूर्ति होगी। जब सभी विक्रेताओं को शामिल करते हुए पढ़ोगे ना, तो वो अपनी बाजार पूर्ति होगी। तो हम क्या कहेंगे कि अपनी ये जो यहाँ पर आने वाली है ना, ये बाजार पूर्ति है, बाजार पूर्ति, इसी को हम लोग बाजार पूर्ति डिफाइन करने वाले हैं, कि इन दोनों के योग को, होरिजेंटल जो सम होगा वो ही बाजार पूर्ति है। यानी 100 रुपये पर इन दोनों का बाजार में कितनी सप्लाई हो रही है, 10 + 20 जो 30 है, उसे हम क्या कहेंगे, बाजार पूर्ति। इसी तरीके से 200 रुपये पर बाजार पूर्ति कितनी है, 20 + 30 कितनी हो गई, 50। उसी तरीके से 300 रुपये पर जो है कितनी अपनी सप्लाई हो रही है, मार्केट सप्लाई कितनी है, 30 + 40 = 70। उसी तरीके से 40 और 50, 400 रुपये पर कितनी सप्लाई हो रही है, 40 + 50 ये अपना आ गया 90, ठीक है। फिर 50 और 60 पर कितनी हो रही है, 110। 50 और 60 यानी 500 रुपये पर कितनी हो रही है, 110। ये इसे हम क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया बाजार पूर्ति, ठीक है। और इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार फर्म पूर्ति अनुसूची। इसी जो टेबल को नाम दिया गया है, इस टेबल को मैं नाम दे दूंगा बाजार फर्म पूर्ति अनुसूची, ये आपकी हो गया बाजार फर्म पूर्ति अनुसूची, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में, वो उसके बाद हम बुक में चलेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर हम चलते हैं इसमें कि पूर्ति वक्र के अगर प्रकार पढ़े, जैसे पूर्ति पूर्ति के प्रकार हो गया, पूर्ति अनुसूची होगी, पूर्ति मतलब कि सप्लाई जो शेड्यूल है, अनुसूची है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची और बाजार फर्म पूर्ति अनुसूची, ठीक है। फिर अपना चलते हैं पूर्ति वक्र में, पूर्ति वक्र जो डायग्राम अपने बना रहे हैं, सप्लाई कर्व जो बनाने वाले हैं वो कैसा बनेगा। तो सप्लाई कर्व को भी यहां पर दो तरीके से डिफाइन कर रखा है, सप्लाई कर्व को भी दो तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक अपना हो गया व्यक्तिगत फर्म
आपूर्ति वक्र, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखा है अपना कर्व जो बनने वाला है। सेकंड हो गया बाजार, फर्म, पूर्ति, वक्र। ठीक है, अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अपना इनका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे हम डिमांड वाला हमने पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम लोग जो डायग्राम बनाने वाले हैं कि थोड़ा सा इसमें देखिएगा ध्यान से कि हम लोग जो है इस पर एक्स एक्स और वाई एक्स बना ले पहले। सबसे पहले कि अपन एक्स एक्स और वाई एक्स को दर्शाएं, जैसे मान लो ये अपना क्या है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, ये एक्स एक्स है और ये अपना वाई अक्ष है, ठीक है, जीरो। अब देखो ओ एक्स जो है ओ अक्ष एक्स अक्ष, इस पर हम क्या दर्शाने वाले हैं, पूर्ति की जाने वाली मात्रा। और जो ओ वाई एक्स है, ओ वाई अक्ष है, इस पर हम दर्शाएंगे वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कीमत यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, आपका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, 100, 200, 300, 400, 500। मात्रा में आपको इधर दिखा देंगे, ये भी गेप सेम होना चाहिए, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत वाला हम लोग बना रहे हैं कि व्यक्तिगत डायग्राम में देखें, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति वक्र में देखें, तो सबसे पहले देखो 100 रुपये पर बाजार में राम जो है कितनी सप्लाई करने को तैयार है, 10 यूनिट। तो यहाँ पे देखो 100 पर कितनी सप्लाई करने को वो तैयार है, 10 यूनिट। ये मैंने बिंदु ड्रॉ कर दिया, पूर्ति वक्र हम लोग बना रहे हैं। फिर देखो 200 पर कितना, 200 पर 20, तो ये 200 पर कितनी, ये मैंने कर दी 200 पर 20। 300 पर कितनी है, 30 है, ये मैंने बना दी 300 पर 30। 400 पर कितनी है, 40, ये मैंने बना दी 400 पर 40। 500 पर कितनी है, 50, ये मैंने बना दिया 50। इन जब बिंदुओं को मिला देंगे ना, तो अपना क्या बन जाएगा, पूर्ति वक्र अपना बन जाएगा। इन बिंदुओं को जैसे ही मैं मिला दूंगा, इस वक्र को मैं क्या नाम देने वाला हूं, ये मेरा जो है वो सप्लाई कर्व कहलाता है, पूर्ति वक्र। कि आप जो है 100 रुपये पर इतना बेचने को तैयार है, इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत फर्म पूर्ति वक्र। एक ही एक इंडिविजुअल जो सप्लायर है हमने उसको लेके समझाया। अगर हम पढ़ें बाजार पूर्ति को, ठीक है, बाजार फर्म पूर्ति को, अगर हम पूर्ति वक्र को हम लोग दर्शाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो डायग्राम अपना सेम बनेगा, बस वहां पर हम लोग अपनी बाजार पूर्ति वाली क्वांटिटी को जो है काम में ले लेंगे। तो चलो फिर भी हम एक बार इसको बना के ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें वही अपने पहले ओ वाई एक्स और ओ एक्स, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले हम, थोड़ा सा इसमें थोड़ा और बड़ा इसको करता हूँ। ये अपना ओ एक्स एक्स और ये अपना ओ वाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर वही अपना सेम ही दिखाने वाले हैं, पूर्ति की जाने वाली मात्रा और पूर्ति की जाने वाली वस्तु की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख दिया करो साथ में, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, पूर्ति की जाने वाली मात्रा, पूर्ति वर्ड यूज करना भी। ठीक है, अब मैं जैसे मान लो प्राइस तो लेके चल रहा हूँ अपना 100, 200, 300, 400 और 500, और ये जो क्वांटिटी है वो भी आपकी लगभग जैसे सेम होनी चाहिए। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ इसमें 20-20 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब देखो 100 रुपये पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा कितनी है, 30, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको डॉट कर रहा हूँ, ये आ गई अपना 30। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। फिर जो है 200 पर कितनी है, 200 पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा है 50, तो ये एकदम थोड़ा सा इसके बीच में ये आ गई 50। 300 पर कितनी है, 70, ये देखो 300 पर कितनी है, 70, तो यहाँ पे मैं 300 पर बना दूंगा 70, एकदम इसका बीच में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। फिर 400 पर कितनी है, 90, 400 रुपये पर कीमत कितनी, 400 रुपये कीमत पर कितनी चल रही है, 90। उसके बाद आपका 500 पर कितनी चल रही है, 110, तो 500 पर दिखा देंगे 100 से आगे 110। और जैसे ही मैं इन बिंदुओं को मिला दूंगा, ये मैंने इन बिंदुओं को ड्रॉ को मिला दिया, तो ये अपना जो कर्व बना है ये बाजार पूर्ति वक्र अपना बन गया। ठीक है, एम का मतलब मार्केट से ही अपना अपना बाजार पूर्ति वक्र बना हुआ। यहाँ पर दर्शा सकते हैं पूर्ति की
मात्रा और वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, ठीक है। तो ये जो अपना था, ये सारा हमने इसको पढ़ा है, एनालिसिस किया है कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो बाजार पूर्ति वक्र क्या होती है, कि इंडिविजुअल जो है पूर्ति अनुसूची क्या होती है, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है, उनके वक्र डायग्राम कैसे बनते हैं और बाजार फर्म पूर्ति वक्र के डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे बता रखी है कि बाजार पूर्ति वक्र क्या है, अनुसूची क्या है, बाजार अनुसूची और पूर्ति अनुसूची अपना क्या है। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, आप इसको बुक में से रीडिंग कीजिएगा और जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी वहां पर हम जो है इस चैप्टर को बुक में से एनालिसिस करेंगे, एक लाइन टू लाइन हम इसके पढ़ेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल भी देखेंगे और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक इसी का हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।